Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कास्ट ग्राफिक्स के YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह हम Adobe Illustrator के अंदर ह्यू एंड सैचुरेशन का ऑप्शन यूज कर सकते हैं अपने किसी भी लोगो या आर्टवर्क को रिकलर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर एक लोगो लिया है जो मैंने क्रिएट किया था एंड मुझे इसको डिफरेंट कलर सैंपल में मान लीजिए क्लाइंट को सेंड करना है। तो मैं नहीं चाहता कि मुझे ये बार बार क्लिक करना पड़े एंड मुझे चेंज करना पड़े यहाँ ग्रेडियंट से जाकर एक नया कलर। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इसी लोगों को रिकलर करूं इजिली। तो यहाँ पर मेरे पास ह्यू एंड सैचुरेशन का ऑप्शन है इलस्ट्रेटर में, जिसके लिए मैं जा सकता हूँ कलर गाइड में। यहाँ पर है हमारा कलर गाइड, अगर आपका ये ओपन नहीं है तो आप जा सकते हैं विंडो में एंड विंडो के अंदर कलर गाइड शॉर्टकट Shift F3। दोस्तों आप अपना आर्टवर्क सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर आइकॉन है एडिट और अप्लाई कलर का, क्लिक करें। यहाँ पर रीकलर आर्टवर्क का एक पैनल ओपन हो जाएगा एंड जैसे ही पॉपअप आता है नए पैनल का रीकलर आर्टवर्क का, आपका कलर कुछ चेंज हो जाता है। बट मैं चाहता हूँ यहाँ पर गेट कलर फ्रॉम सेलेक्टेड आर्टवर्क का ऑप्शन, जिस पर मैं क्लिक करता हूँ एंड मुझे मेरा ओरिजिनल कलर शो करता है। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मैंने कौन कौन से कलर यूज़ किए हैं अपने आर्टवर्क में एंड मैं किसी एक पर्टिकुलर कलर को सेलेक्ट करके उसे चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास रेंडमली चेंज कलर का ऑर्डर है, तो अगर मैं क्लिक करूँ तो वो रेंडमली चेंज होंगे कलर्स। एंड अगेन सेकेंड ऑप्शन जो मेरे पास है यहाँ पर रेंडमली चेंज सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस का, तो आप इस पर भी क्लिक करके सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस रेंडमली चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं जाता हूँ एडिट एक्टिव कलर्स में एंड यहाँ पर मैं जो भी मेरे एक्टिव कलर्स अभी शो हो रहे हैं उनको मैं चेंज कर सकता हूँ। सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस आप मेंटेन कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन डिस्प्ले सेगमेंट कलर भी एंड थर्ड ऑप्शन है डिस्प्ले कलर बार का, तो आप इस मोड में या फिर इस मोड में या फिर इस मोड में कलर को एडिट कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह आप अपने आर्टवर्क को रिकलर कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। ओके, तो हमने अपने आर्टवर्क को कुछ इस तरह रिकलर कर लिया। तो हमारा आर्टवर्क पहले कुछ इस तरह था और हमने उसे ह्यू एंड सैचुरेशन या रिकलर आर्टवर्क के मदद से कुछ ये कलर दे दिया। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा एंड ये काफ़ी यूजफुल रहेगा आपके लिए। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है रिलेटेड टू दिस
या मेरे पिछले ट्यूटोरियल्स में से, तो आप प्लीज़ उसे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं एंड मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। एंड अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।